हेलो एवर, दिस इज शांत एंड यू आर वॉचिंग लाइफ इज ऑसम। तो अब देखिए किस तरह से इन्हों वर्क करते हैं। अभी आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं पूरा फुल डिटेल में। तो पहला इन्हों मेज़रमेंट कर रहे हैं वहाँ से यहाँ तक। ये फैन बॉक्स, तो इलेक्ट्रिशियन का वर्क क्या रहता है स्लैब के वक्त देख सकते पूरा डिटेल में। तो फिर हाँ, फिर उसका क्या है, आधा लिए, आधा ले को वहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल गए उनको। फिर नेक्स्ट इस तरह से करते थे उसको स्लैब, मतलब ये देखिए इसका एंड तक उन्होंने मेज़र कर रहे हैं। फिर उसको हाफ करके जो है फिर वही पॉइंट से मेज़र करते हैं। तो किस आधार पे उन्होंने बिठाए मैं आपको बता दूंगा। जैसा ये पहले के जो पाइप्स है ना, वो ये बिठाए हुआ ऑलरेडी, तो पूरे क्या है एक लेवल पे आना बोल को उधर बिठाए। इन्होंने डायगोनली चेक नहीं करे बिकॉज यही एक रीज़न, पूरे एक साथ मिल जाना चाहिए। सेम उसी तरह जैसा ये इधर देख सकते, ये पाइप्स इलेक्ट्रिक का सो ये पाइप जो है पूरे एक साथ मिल जाते हैं, वो एक सेंटर पॉइंट। अभी तो देखिए अभी इन्हों फिलहाल प्लेस करे दो डिप्स यहाँ पे एक और एक कोने पे एक, वो एक्स्ट्रा है ना, वो आगे मेन क्या है वो। हाँ तो तीन बिटा है फिलहाल, एक मेन पे आ रहा है कुछ, तो यहाँ एक बिटा है। तो इसका फंक्शन यही है, यहाँ से ऐसा जैसा यहाँ पे बिटा है ना, इसको एक पाइप को जो है जॉइंट करता, वायर को पास करता। दूसरा फंक्शन जो है उसके नीचे जो है उन्होंने एक होल्डर भी बिठा सकते हैं लाइट पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए उन्होंने बिठाए। तो रिक्वेस्ट यू ऑल सब्सक्राइब चैनल लाइफ इज़ ऑसम सिविल, एंड अगर हो सका तो थोड़ा टाइम निकाल के शेयर कर दीजिए। तो उन्होंने जो है वहाँ पे वो रॉड के नीचे से ले रहे हैं ताकि टाइट पकड़ सके। तो और एक दूसरा रीज़न, जस्ट नॉर्मल अगर उन ऊपर से लिए तो पूरा कंक्रीट मटेरियल उस पर बैठ जाएगा, फिर वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसकी वजह से कंक्रीट लूज पड़ जाएगा। टॉप बार्स के नीचे और बॉटम बार्स के ऊपर, तो मिडल में यहाँ देख सकते हैं ये बॉटम बार नीचे है, टॉप बार ऊपर है, तो उसके इन बिटवीन से जाना चाहिए पाइप। और इसको इसी तरह से स्टेप स्टेप करके आगे ढकल के तो डीप बॉक्स जो है उसको जॉइंट हो जाएगा। अभी कहाँ था यहाँ पर? तो टेप्स कलर यूज़ करना भी कोई कुछ आपका आइडेंटिटी कुछ नहीं है, ब्लैक कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं कुछ पर्टिकुलर कर, अगर कोई एक कारीगर का जो है उनका उनका ख्वाब ही रहता है। हाँ कौन सा कलर लेते हैं, हाँ वायरिंग के टाइम यूज़ तब करते हैं जब वायरिंग के टाइम कलरफुल यूज़ होता है, कौन सा भी ब्लैक रहो, ब्लैक रेड 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 येल्लो रहो तो येल्लो। तो मगर इस फिलहाल इस वर्क के लिए कौन सा भी कलर चलता है, कौन सा भी कलर चलता ये अंदर चले जाता दिखता ना, इसलिए ये हो जाता। इस वजह से मिला रहे। तो उसको जो है डिस्टेंस देख के जो है कट करते हैं वहाँ पे। अभी क्या है वो पाइप फैन बॉक्स में बिठा रहा है। तो एंड पे देखिए इस तरह का जॉइन करते हैं, जैसे हम एक टुकड़ा लेके जॉइन करें ना, बिकॉज उसका मुंह जो है ज़्यादा रहता है उसकी वजह से। फिर उस पर टेप लगा देते हैं अंदर कोई पानी ना जा सके।
डीप। फिर सिमिलर वे में उसको उसका डिस्टेंस माप लेके फिर यहाँ कट करके ज्वाइन करते हैं। तो टेप हर एक को कंपलसरी इसीलिए लगाते हैं, अच्छा ग्रिप टाइट पकड़ सके, टाइट पकड़ सके, तो वो एक रीज़न है टाइप पे टेप लगाने का। फिर यहाँ पे दूसरा जो है मेन वायर आ रहा है कुछ, तो मिनिमम देखिए एक रूम है समझ लीजिए, वहाँ पे इलेक्ट्रिक का वर्क चल रहा है, छत का जो बार का फ्रेम होने के बाद, तो मिनिमम 3 पॉइंट रहना चाहिए। तो 3 पॉइंट रहा तो क्या है, आपको जहीं पे भी एक्स्ट्रा लाइट्स चाहिए तो जब आपको इजी होता है लाइट्स डालने के लिए, तो मिनिमम 3 पॉइंट्स रहना चाहिए फैन का बॉक्स छोड़ के, डीप्स डीप बोलते हैं ना वो। फिर इसमें भी ये एक टाइप का आता है टी जॉइंट, तो टी जॉइंट जो है सिर्फ इसको 3 कोना रहता है, एक एंड नहीं रहता है जैसा आप देख सकते, इसको जो है 4 जॉइंट्स रहते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स मिलते हैं, जैसा आपको चाहिए उस तरह का। तो इस तरह से जो है पूरा सिमिलर वे में कनेक्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंटी लैंड, थैंक यू, हैव ग्रेट डे।